पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के सीतलकुची में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के वक्त कई बम ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें कि बीजेपी के दो कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। घायल कार्यकर्ताओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य हो रही है। अभी हाल ही में बंगाल की कई जगहों पर ईडी एवं सीबीआई की छापेमारी के लिए भाजपा द्वारा ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और साथ ही पूरे राज्य में विरोध मार्च निकाला गया था। इसी वक्त उन पर देसी बम ब्लास्ट हुए, जिसमें भाजपा के दो कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष सुकुमार रॉय ने बताया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव शुरू कर दिया गया था और इसके बाद बम भी फेंके गए। बता दें कि इस वक्त ईडी द्वारा धनशोधन जांच के तहत कोलकाता में स्थित फर्जी मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रवर्तकों के खिलाफ हुई छापेमारी में 17.32 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। फिलहाल इस मामले में मुख्य आरोपी फरार है। साथ ही जांच एजेंसी की तरफ से जारी की गई एक तस्वीर में बरामद किए गए 500 और 2000 तथा 200 और 100 रुपए के नोट के बंडल एक बिस्तर पर दिख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार नकदी एक आवास से बरामद की गई, जिस पर पते के रूप में F7NA खान लिखा हुआ है और ये कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में स्थित है। मुख्य आरोपी आमिर खान अभी फरार है। तलाशी के दौरान कई दस्तावेज बरामद हुए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। परिसर से 17.32 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। एजेंसी के अधिकारियों ने नोट गिनने वाली कम से कम 5 मशीनें लगाई और नकदी का असली मूल्य जानने के लिए बैंक कर्मियों को बुलाया है। इसके बाद एक ट्रक में पूरी नकदी रखी गई, जिसे बैंक में जमा किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।